हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल फूड एंड फेस माई सेल्फ निशा। फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या था, आज थोड़ा मैं नाराज़ हूँ। कल हुआ क्या था, मैं जस्ट फ्री हुई 4:30 बजे के आसपास। कल का दिन संडे था तो बहुत घर का काम थोड़ा ज़्यादा था, सब घर पे ही थे। तो आई वॉज शॉक्ड, मैंने मोबाइल खोला, जैसे कि वी आर यूट्यूबर्स तो हमें सब चीज़ों का अपडेट रखना पड़ता है, पूरा मोबाइल भरा हुआ है प्रियंका रेड्डी, प्रियंका रेड्डी, प्रियंका रेड्डी। ये क्या हो रहा है हमारे समाज में, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है गर्ल्स की, जिसको जो चाहे आप गर्ल्स के साथ कर रहे हैं। क्यों लड़कियों को हर फील्ड में लो फील करवाया जाता है, क्यों, आखिर लड़कियों में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है आज के समाज को, क्यों उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाया जाता, प्रॉब्लम क्या है। फ्रेंड्स, वैसे भी मैं बहुत ही सेंसिटिव हो जाती हूँ जब भी गर्ल्स की बात आती है। कोई भी फील्ड में गर्ल्स को डीमोटिवेट किया जाता है या उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्यों, ऐसी कौन सी फील्ड है जो फील्ड में गर्ल्स आगे नहीं है, व्हाट्स द रीज़न, आप मुझे बताएं। अब ये क्या हो रहा है हमारे समाज में, बहुत ही सेफ्टी की बातें की जाती हैं कि यहाँ पे गर्ल्स सेफ हैं, यहाँ पे गर्ल्स डॉक्टर हैं, यहाँ पे गर्ल्स हर फील्ड में आगे हैं। ये इंसिडेंट्स के बाद तो हर पेरेंट्स यही बोलेंगे अपने बच्चों को, देखा हमने इसलिए अपने गर्ल्स को नहीं पढ़ाया था, देखो लड़कियाँ बाहर जाती तो उनका रेप हो जाता है। ये क्यों हो रहा है हमारे समाज में, क्यों सेफ्टी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो 2-3 दिन पहले हैदराबाद में एक इंसिडेंस हुआ है। द गर्ल नेम इज़ प्रियंका रेड्डी, शी वॉज द एनिमल की, वो जानवरों की वो डॉक्टर थी। वो अपने काम से वापस आ रही थी, उनकी गाड़ी का पंक्चर हो गया तो उसने हेल्प मांगी, तो उस 4 लड़कों ने मिल के उसके साथ रेप किया, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा समाज है, यहाँ पे गर्ल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स की कोई सेफ्टी नहीं है। और ये रेप था, वो प्लान था कि वो गर्ल का पंक्चर, गाड़ी का पंक्चर हम करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका रेप करेंगे, फिर उसे हम उसको जिंदा चला देंगे। ये हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और ये सब हो रहा है। कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है अभी हमारा समाज जहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, गर्ल्स हमारी हर फील्ड में आगे हैं, गर्ल्स हमारी डॉक्टर्स हैं, गर्ल्स हमारी लॉयर हैं, पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट्स क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, वैसे भी उसमें गर्ल्स को प्रायोरिटी कम दी जाती है कंपैरेटिवली बॉयज। जैसे कि शुरू से ही मेरे हिसाब से हमारी जो पढ़ाई होती है, स्टडीज़ होती है, उसमें हमें बच्चों को, हमें बॉयज़ को इस तरह का नॉलेज देना चाहिए कि गर्ल्स कोई भी फील्ड में पीछे नहीं है, क्योंकि शुरू से उनके घर में, उनकी फैमिली में ऐसा ही उनको नॉलेज दिया जाता है कि गर्ल एक आगे नहीं बढ़ सकती, उसकी शादी हो जाएगी, वो एक घूंघट के पीछे ही रह जाती है, वो अपने सपनों को मार देती है। अगर उसमें कोई टैलेंट होता भी ना तो सब उसको दबा देते हैं, उसकी शादी करा देते हैं और उसको बोल देते हैं तुझे एक फैमिली संभालनी है, तेरे बच्चे हैं। दिस इज़ नॉट द लाइफ। शुरू से ही हमें बॉयज़ को गर्ल्स की रिस्पेक्ट करवाना सिखाना चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग, जब वो छोटे, उनको स्टडी देनी चाहिए स्कूल में कि ऐसे इंसिडेंट्स हमारे समाज में नहीं होने चाहिए। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो बड़े नॉलेज देंगे बच्चों को वही सीखेंगे, क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट रूल है ही नहीं कि ना कोई भी बंदा या कोई भी लाइक गलत काम क्यों करेगा, उसे पता होगा ना कि ये मैंने कर दिया, उसका कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसके लिए वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में इस तरीके का कोई रूल ही नहीं है। कोई भी किसी का भी रेप करके चला जाता है, सबको ऐसा फील होता है कि लाइक 4-5 साल केस चलेगा, फिर केस बंद हो जाएगा, और जो पैसे वाले लोग होते हैं उनका तो केस तुरंत ही बंद हो जाता है। गर्ल्स की सेफ्टी की कहाँ बात की जाती है, ये इसकी वजह से ये सब बातें हो रही है। बॉयज़ को रिस्पेक्ट नहीं है फ्रॉम द बिगनिंग, उनको शुरू से ही उनकी फैमिली से संस्कार मिलने चाहिए कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो, उनकी वजह से ही आप हो। स्टडीज़ में ऐसा उनको पढ़ाना चाहिए, माँ बाप से उनको इस तरीके संस्कार मिलने चाहिए। और हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में हम पहले ऐड आती है कि लाइक स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो इस तरीके की एडवर्टाइज भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए कि ये अगर इस तरीके का काम समाज में होगा तो इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। एक इंसान मर्डर करने से डरता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैं मर्डर करूंगा तो मुझे ये सज़ा मिलेगी, बट एक रेपिस्ट रेप करने से नहीं डरता क्योंकि उसे पता है कि कोई स्ट्रिक्ट रूल है ही नहीं, 2-3 साल बाद बच जाऊंगा या केस बंद हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते होंगे जो किसी के सामने आए भी नहीं होंगे। तो प्लीज़ गवर्नमेंट को कोई अच्छा सा स्ट्रिक्ट रूल निकालना चाहिए
कि जिससे हम गर्ल्स की सेफ्टी हो, हमें अच्छे से जस्टिस मिले। क्यों आज ये इनके साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी की माँ बेटी के साथ भी हो सकता है, ये कोई सेफ वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स, ये वाला मेरा वीडियो सिर्फ जस्ट मैं अपनी फीलिंग्स आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे सिर्फ सुन के इतना बुरा लग रहा है, तो आप सोचो जिनके घर की बेटी जिसके साथ ऐसा हुआ है उनको कैसे फील हो रहा होगा। एक बच्चे के साथ एक माँ कितनी मेहनत करती है, दिन रात एक करके उसको बड़ा करती है। आई कैन फील बिकॉज मेरे भी बच्चे हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चे को बड़ा करने में, उसको कुछ पढ़ा के लिखा के, कुछ हमारे सपने होते हैं कि वो बड़े होके कुछ बने, और उनकी बेटी के साथ ऐसा हो तो सोचो उसकी फैमिली पे कैसा उन पे बीत रही होगी, कैसा वो फील कर रहे होंगे, जस्ट इमेजिन। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। प्लीज गवर्नमेंट डू समथिंग, दिस इज नॉट द राइट वे। सो बस यही था मेरा आज का वीडियो। प्लीज आप ये वाला वीडियो सबके साथ जरूर शेयर करें, जैसे कि सबके साथ ये वाला वीडियो पहुंचे, शायद ही हमारे गवर्नमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट आ पाए। आई एम सॉरी।